सो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का मोस्ट इजीएस्ट ऑटोमेटिक बोन मिल फार्म। आई गेस अभी तक आपने जितने भी 1.19 अपडेट वाले बोन मिल फार्म्स देखे होंगे वो फार्म या तो बहुत बड़े होते हैं या फिर उनको बनाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। बट आज हम एक ऐसा फार्म बनाने वाले हैं जिसको बनाना बहुत ईजी है, छोटा सा फार्म एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्म बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो एक बार इस फार्म को बनाने के बाद आपको फिर कभी भी अपने वर्ल्ड में बोन मिल्स की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होंगे कुछ ब्लॉक्स, तो यहाँ पे हमें 10 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। फिर इसके साइड से हमें 2 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं एंड इस एरिया को ब्लॉक से फिल कर देना है। तो ये अपना एक 10x3 का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हमें वापस से 10 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। देन स्टार्टिंग वाले ब्लॉक को छोड़ के इन ब्लॉक्स के ऊपर हमें 8 पिस्टन्स प्लेस करने हैं। अभी हमें चाहिए होंगे 8 ऑब्जर्वर्स एंड इन ऑब्जर्वर्स को हमें पिस्टन्स के ऊपर प्लेस करना है। मेक श्योर सभी ऑब्जर्वर का फेस बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। फिर इस साइड को हमें कुछ इस तरह से ब्लॉक से कवर कर देना है एंड दूसरे साइड में हम बनाने वाले हैं अपने फार्म का कलेक्शन सिस्टम। तो इसके लिए 2 ब्लॉक्स हमें पिस्टन के साइड में प्लेस करना है, 2 ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस करना है एंड कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 चेस्ट, 1 हॉपर, 1 माइनकार्ट विद हॉपर एंड 2 रेल्स। तो कुछ इस तरह से यहां पे हमें डबल चेस्ट प्लेस करना है। फिर इस चेस्ट के पीछे क्राउच होकर एक हॉपर प्लेस करना है। अभी इस हॉपर के साइड में हमें 2 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं, रेल्स प्लेस करने हैं एंड फिर यहां पे एक माइनकार्ट विद हॉपर प्लेस करके इसको थोड़ा सा पुश कर देना है। अभी यहाँ से हमें इन रेल्स एंड इस टेम्पररी ब्लॉक को हटा देना है एंड इस माइनकार्ट के साइड में एक ब्लॉक प्लेस कर देना है। तो ये अपना हो चुका है। अभी हमें इस फार्म के लिए एक सिंपल सा रेडस्टोन सर्किट बनाना है। तो इसके लिए हमें इन पिस्टन्स के पीछे 8 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं एंड फिर इन ब्लॉक्स के ऊपर रेडस्टोन डस्ट प्लेस कर देना है। देन हमें आ जाना है फार्म के सामने के साइड एंड यहाँ पे हमें 5 ब्लॉक साइड का एक वॉल बना लेना है। यहाँ पे भी आप कोई सा भी ब्लॉक यूज कर सकते हो बट ग्लास ब्लॉक से फार्म देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्लास ब्लॉक्स प्लेस करने के बाद हमें इनके ऊपर से कुछ इस तरह से एक और लेयर ब्लॉक प्लेस कर देना है। फाइनली अभी हमें चाहिए होंगे कुछ बकेट्स वाटर, क्योंकि केल्प्स वाटर में ही ग्रो करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेना है। अभी फार्म में वाटर फिल करने से पहले मेक श्योर हमें इस माइनकार्ट के साइड में 2 ग्लास ब्लॉक्स प्लेस करने हैं ताकि अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से इन पिस्टन्स पे वाटर प्लेस करना है। यहाँ पे टोटल 8 पिस्टन्स हैं। मेक श्योर आपको हर एक पिस्टन में वाटर प्लेस करना है वरना ये फार्म वर्क नहीं करेगा। पिस्टन्स में वाटर प्लेस करने के बाद हमें सेम तरह से ऑब्जर्वर्स में भी वाटर प्लेस करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें 8 स्लैब्स प्लेस करने हैं। फिर इस कॉर्नर पे हमें एक बकेट वाटर प्लेस करना है एंड माइनकार्ट के ऊपर वाले ब्लॉक को तोड़ देना है। इसके बाद हमें इन सभी स्लैब्स को भी तोड़ देना है एंड नीचे प्लेटफॉर्म पे 8 केल्प्स प्लेस करने हैं। तो ये गाइस अपना ऑटोमेटिक केल्प फार्म हो चुका है रेडी। अभी इस फार्म से हमें अनलिमिटेड केल्प्स मिलते रहेंगे। इन केल्प्स को बोन मिल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉम्पोस्टर। तो इसके लिए हमें आ जाना है इस चेस्ट के ठीक नीचे। यहाँ से हमें 4 ब्लॉक्स तोड़ लेने हैं, फिर यहाँ से हमें 2 ब्लॉक्स तोड़ लेने हैं एंड यहाँ पे 2 चेस्ट प्लेस करना है। इन चेस्ट के ऊपर हमें 2 हॉपर्स प्लेस करने हैं, फिर इन हॉपर्स के ऊपर 2 कॉम्पोस्टर प्लेस करना है एंड फिर इन कॉम्पोस्टर के ऊपर वापस से 2 हॉपर्स प्लेस करने हैं। सो दैट्स इट, अपना बोन मिल फार्म हो चुका है पूरी तरह से रेडी। तो चलो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स सी कि अपना ये फार्म सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मुश्किल से कुछ ही मिनट्स हमने यहाँ पे वेट किया है एंड आप देख ही सकते हो फार्म में जितने भी केल्प्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अभी बोन मिल में कन्वर्ट हो रहे हैं। बस इतने से टाइम में हमें ऑलमोस्ट 6 बोन मिल्स मिल चुके हैं। तो डेफिनेटली फार्म काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है एंड सिर्फ 1.19 अपडेट नहीं, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के सभी वर्जन में ये फार्म वर्क करता है। तो डेफिनेटली आप इस फार्म को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में जरूर से बनाना एंड मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये फार्म कैसा लगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार स्टे सेफ, गुड बाय।